आप देख रहे हैं TNB। कार्तिक आर्यन और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म धमाका 19 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर की रिलीज के बाद से ही फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है और दिलचस्प बात यह है कि रिलीज के बाद भी फिल्म को उतना ही शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन फिल्म का एक नेगेटिव पॉइंट भी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है फिल्म की कहानी? न्यूज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बन चुके एंकर अर्जुन पाठक दुनिया को सच बताने का दावा करता है। वो अपने चैनल के जरिए जबरदस्त TRP लाकर देता है, लेकिन एक हादसे में उसकी नौकरी चली जाती है और अब वो एक रेडियो जॉकी बनकर जिंदगी काट रहा है। अर्जुन को उस बड़ी घटना का इंतजार है जो उसे फिर से पुराना फेम दिला सके। अर्जुन पाठक का उसकी पत्नी सौम्या पाठक तलाक हो चुका है और अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी रेडियो जॉकी की कुर्सी के इर्द गिर्द ही गुजारता है। एक रोज जब वह शो कर रहा होता है तभी उसे एक कॉल आती है जो उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका देती है। लेकिन इस मौके से गुजरने के लिए अर्जुन को बहुत कुछ दांव पर लगाना है। आगे क्या होगा यही फिल्म की कहानी है। म्यूजिक से लेकर एक्टिंग तक सब अच्छा। कोरियन फिल्म द टेरर लाइव की कहानी पर आधारित इस फिल्म का संगीत शानदार है। बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जो आपका फोकस फिल्म में बनाए रखती है और हर भावना का स्तर बढ़ा देती है। सिर्फ 10 दिन में शूट की गई इस फिल्म का निर्देशन शानदार है और कार्तिक व मृणाल ने अपना काम बखूबी किया है। तो फिल्म में बुरा क्या है, कहां कमजोर पड़ी कार्तिक की फिल्म, आइए वो भी बताते हैं। फिल्म में जो सबसे बड़ी चूक हुई है वो है कहानी के स्तर पर। पत्रकारिता की दुनिया में अब हर खबर को 5W1H के पैमाने पर कसते हैं, यानी किसी भी न्यूज को गहराई से समझने के लिए एक पत्रकार खुद से व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु और हाउ का सवाल पूछता है। और जब आप फिल्म को देखते हुए खुद से पूछते हैं कि हाउ, तो वही फिल्म का रस खत्म हो जाता है। फिल्म की कहानी एक ब्रिज पर होने जा रहे धमाके के बारे में है। ये पूरी फिल्म में लगातार ये बातें होती रहती है कि यहाँ बम लगा है, वहाँ बम लगा है, लेकिन वो बम कैसे लगा है इस बारे में कहीं कोई सवाल नहीं करता। इसी तरह के कई सवाल है जो बतौर पत्रकार कोई भी सिचुएशन में पूछेगा, लेकिन क्योंकि उस बारे में बात नहीं की गई इसलिए फिल्म कई जगह पर कमजोर नजर आती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।